हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास एट मैथमेटिक्स लेसन नंबर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.3। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.3 करने वाले। प्रैक्टिस सेट 15.3 क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन में इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लेंथ ए बी 13 सेंटीमीटर। लेंथ ए बी कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। डी सी दिया गया है 9 सेंटीमीटर एंड ए डी दिया गया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमको ये ए बी सी डी का एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिख लो। लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम सो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पे देखो, हाफ तो ऐसे का ऐसे रहेगा, सम ऑफ बोला है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो पैरेलल साइड कौन सा है? ए बी एंड डी सी। यहाँ पे लिखो पैरेलल साइड क्या है? लेंथ ए बी प्लस सम बोला है तो प्लस लेंथ ऑफ डी सी इंटू हाइट। हाइट क्या है? हाइट हमारा ए डी हो रहा है तो यहाँ पे ए डी लिख लो। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ ए बी कितना है? ए बी ए हमारा है 13 प्लस डी सी 9 इंटू ये आया 8। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 13 प्लस 9 22 इंटू 8। ये इससे कैंसल होगा 11 टाइम में, 11 एट जा 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम्स आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो the two parallel side of trapezium are 8.5 centimeter and 11.5 centimeter और हाइट दी गई है। यहाँ पे लिखोगे हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। हाइट कितना दिया गया? 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया एरिया का फॉर्मूला लिख लो। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमको क्या दिया? 8.5 एंड 11.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.5 प्लस 11.5 इंटू हाइट। हाइट कितनी दी गई है? 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 11 एंड 8 19 20 20 इंटू 4.2
टू, ये 20 से कैंसल हुआ 10, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है 10 इंटू 4.2, ये हो जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज आइसोसेलस ट्रेपेजियम, ये क्या है, ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम है। लेंथ पी क्यू 7 सेंटीमीटर, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू एस आर, एस एम 3 सेंटीमीटर, एस एम तुमको 3 सेंटीमीटर दिया। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर, जो ये डिस्टेंस दिया गया है ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का हमको एरिया फाइंड करना है। हमको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर लगाना पड़ेगा तो हमको क्या चाहिए, पैरेलल साइड दोनों का दोनों चाहिए। यहाँ पे वन पैरेलल साइड का तो 7 सेंटीमीटर दिया गया, सेकेंड पैरेलल साइड मीन्स एस आर का वैल्यू हमको नहीं दिया गया, हमको सिर्फ एस एम की वैल्यू दी गई है 3। हमको क्या करना पड़ेगा, एस आर की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा। तो ये भी हो जाएगा हमारा, ये हम परपेंडिकुलर खींच रहे तो ये हो जाएगा हमारा 90। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज एन आइसोसेलस ट्रेपेजियम, ये हमको दिया गया है। उसके बाद और क्या दिया गया, लेंथ पी क्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, लेंथ एस एम दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में ये दोनों जो एंगल बन रहा है पी एम एस और क्यू एन आर, ये दो के दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल पी एम एस एंड ट्राइंगल क्यू एन आर। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ पी एस इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू आर, क्यों, क्योंकि दोनों हाइपोटेनियस हैं। और क्या आएगा, लेंथ ऑफ पी एम इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू एन, ये दोनों लेंथ क्यों है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, मीन्स ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड ट्राइंगल पी एम एस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्यू एन आर, ये क्या हो जाएगा, किससे, कौन से टेस्ट से, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट आ गया। जब यहां पे देखो, जब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो एस एम जो है एन आर के इक्वल आ जाएगा। सो दैट लेंथ ऑफ एस एम कॉन्ग्रेंट लेंथ ऑफ एन आर, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ एन आर इक्वल टू लेंथ ऑफ एस एम, सो दैट लेंथ ऑफ एन आर आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एन आर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम, पी क्यू एन एम इज अ रेक्टेंगल, जब ये रेक्टेंगल रहेगा तो लेंथ ऑफ एम एन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एम एन हो जाएगा लेंथ ऑफ पी क्यू अपोजिट साइड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एम एन कितना हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, मीन्स ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, देखो हमको पी क्यू वन साइड दिया गया है, वन पैरेलल दिया गया है, अभी हम लोग को सेकेंड पैरेलल निकालना है। तो सेकेंड क्या है, एस आर है, तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ एस आर इक्वल टू लेंथ ऑफ एस एम प्लस,
लेंथ ऑफ एम एन प्लस लेंथ ऑफ एन आर। अब ये सबको प्लस कर दो, ऐसे में थ्री और ये है सेवन, ये है थ्री, ये हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एस आर आया 13 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहां पर हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स पी क्यू प्लस एस आर इंटू हाइट क्या है, पी एम रख सकते हो, लेंथ ऑफ पी एम, पी हो जाएगा हाफ इंटू पी क्यू कितना है सेवन प्लस 13 इंटू पी एम है 4, यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 4, ये इससे कैंसल हो गया, तो 10 4 जा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर।